हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है फाइट विद एसएससी की इस चैनल में। मैं आज 18 अगस्त के फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन आए हुए थे उसका रिव्यू करूंगा और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए वो मैं बताऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो क्वेश्चन आया हुआ था कि हु गॉट 62 फिल्म फेयर अवार्ड, देखिए 62वां फिल्म फेयर अवार्ड जो जीता हुआ था दंगल फिल्म में जीता हुआ था, ठीक है। और इसके हीरो जो थे आमिर खान, आमिर खान को देखिए इसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। आमिर खान को दंगल मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को, उड़ता पंजाब के लिए आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। आपको याद करना भी बहुत आसान है, और से आमिर खान और से आलिया भट्ट। तो फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट हीरो के लिए बेस्ट एक्टर के लिए आमिर खान और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए यानी अभिनेत्री के लिए आलिया भट्ट। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेस्ट डायरेक्टर का नाम, बेस्ट डायरेक्टर हैं नितेश तिवारी। देखिए इन्होंने दंगल फिल्म बनाया हुआ था तो उन्हें इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, नितेश तिवारी जी को मिला है। आपसे पूछा जा सकता है कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नाम बताइए, इस मतलब जो इस 62वां फिल्म फेयर अवार्ड में जीता है, तो ऋषि कपूर जी हैं। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का, शबाना आज़मी है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आएगा उसको हम क्लिक कर सकते हैं। देखिए प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स समझते हैं, प्लेटलेट्स होता क्या, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। देखिए जितना ज़्यादा प्लेटलेट्स होगा उतना ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग होगा यानी रक्त का थक्का जमेगा, हमें ब्लीडिंग होने से रोकता है कौन, ब्लीडिंग को मतलब खून अगर बह रहा है तो उसे रोकता है प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट। अगर हमारे शरीर में थ्रोम्बोसाइट नहीं होगा तो हमारे शरीर से हमें मतलब ज़्यादातर खून निकलेगा, खून जल्दी बंद नहीं होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्का बनाने में यानी ब्लड क्लॉथिंग में सहायक होता है, वो होता है विटामिन के। और एक क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन ये भी है कि बताइए रक्त में क्या होता है जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, मतलब रक्त का थक्का जमाने से रोकता है, तो वो हीपेरिन होता है, हीपेरिन नामक पदार्थ होता है, हीपेरियन जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग में मदद कौन करता है, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट, ये मदद करते हैं, विटामिन के मदद करता है, ठीक है। तो ये होता है, ये से क्वेश्चन पूछा, फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए आप क्वेश्चन ये भी पूछा सकते प्लेटलेट्स की कमी से होने से कौन सा बीमारी होता है, प्लेटलेट्स की कमी होने से आपको मलेरिया हो सकती है, ठीक है। मलेरिया क्यों कैसे होती है समझिए, मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया होती है, ये भी याद करना आपको, मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया होती है, ठीक है। और प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो मलेरिया हो जाएगा, ठीक है, निश्चित ही। और ये देखिए सीधा बात समझिए कि थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स जब शरीर में कम होगा तो हमारा ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, हमारा खून का थक्का नहीं जमेगा यानी हमारे शरीर से लगातार खून अगर कहीं कट जाए लगातार खून गिरते ही रहेगा, बंद नहीं होगा, खून बंद नहीं हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चित्रकारी फेमस हुई थी, चित्रकारी जहांगीर की सबसे फेमस हुई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि 2015 का रग्बी अवार्ड किसे मिला, ये टफ क्वेश्चन में से, क्योंकि 2015 दो साल पहले का इन्होंने पूछ लिया, तो वाकई ये बहुत टफ क्वेश्चन है। बैटर्सिया एवोल्यूशन 2015 का बेस्ट मतलब रग्बी अवार्ड मिला है, और 2016 का ये हिल्टन मेट्रोपोल को ये मिला है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा कि पेंडुलम के वन राउंड को कवर करने को क्या कहें, देखिए पेंडुलम कुछ यूँ इस तरह का होता है, ये इस तरह का ये पेंडुलम होता है, और ये पेंडुलम अपने अक्सर घड़ी में भी देखा होगा कि ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो इस पीरियड को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, आवर्तकाल, ठीक है। और यहाँ पे इसमें समय पूछ दे तो ये 2 सेकेंड होता है, इसका 2 सेकेंड होता है, 1 सेकेंड यहाँ से यहाँ, 1 सेकेंड यहाँ, 2 सेकेंड का ये टाइम ड्यूरेशन होता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमालय के किस क्षेत्र में दिहांग नदी है, देखिए ये पश्चिमी हिमालय में ये मतलब हिमालय में दिहांग नदी है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इफ न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज इन वाटर देन विच एल्गी इज फॉर्म, देखिए बहुत आसान सवाल है, देखिए क्वेश्चन समझिए, पहले कह रहे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, पोषक तत्व, अगर हमारे पानी में पोषक तत्व बढ़ जाएगा तो कौन सा एल्गी को बोलते हैं शैवाल, क्या बोलते हैं शैवाल, ग्रीन एल्गी मतलब नील हरित शैवाल, ठीक है। तो वो देखिए फाइटोप्लैंकटन नामक ये जो शैवाल बनता है, और इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव का नाम बताइए, जी हाँ बिल्कुल, इसका आंसर होगा ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल जो होती है ना वो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल, ग्रीन एल्गी।
आपने ग्रीन एल्गी को बहुत बहुत जगह देखा होगा। ग्रीन एल्गी जो होता है ये हरा रंग का होता है और इसमें जो मतलब एक तरह का कहते हैं जो छिछलापन होता है, या अक्सर मतलब आप बहुत कॉमन है ग्रीन एल्गी को सभी देख सकते हैं, ठीक है। विच फिर क्वेश्चन आया हुआ था, एक स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, बीच योजना मेड बाय गवर्नमेंट बाय सोयल कार्ड के, मिट्टी कार्ड के लिए, सोयल कार्ड के लिए जो ये कौन योजना बनाया गया था, ये बनाया गया था सोयल हेल्थ कार्ड, सोयल हेल्थ कार्ड, ठीक है। मिट्टी देखिए किसानों की सहायता के लिए मोदी सरकार ने क्या एक इनिशिएटिव शुरू किया है। इस कदम से मोदी सरकार ने यह बताया है कि जो किसान जो होते हैं मतलब आवश्यक से ज़्यादा यूरिया का यूज़ करते हैं तो उनसे उनकी पैसे की खपत होती है, तो वो क्या करते हैं, योजना शुरू किया है। इस स्कीम को 2015 में शुरू किए थे मोदी जी ने, और इसका उद्देश्य 14 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना था। देखिए इसमें क्या करेंगे, जो भी वैज्ञानिक आएंगे या फिर जो भी वहाँ के ऑब्जर्वर आएंगे वो आपको मिट्टी को चेक करेंगे और आपको बताएंगे इसमें फलाने फलाने चीज़ की कमी है। तो ये सोयल हेल्थ कार्ड शुरू हुई थी 2015 में 19 फरवरी को, ठीक है। एक क्वेश्चन फीफा वर्ल्ड कप से आया होता, देखिए फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता, 2014 का फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता, देखिए जर्मनी जीता हुआ। देखिए ये हुआ था ब्राज़ील में, आपको बता दूं सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड ब्राज़ील के नाम है, मतलब द हाइएस्ट टाइम विनर ऑफ द फीफा फुटबॉल का जो ये है वो ब्राज़ील ने जीता है, और इस बार 2014 में वो ब्राज़ील में भी हुआ था और उसमें जर्मनी जीता हुआ था, ठीक है। उसने अर्जेंटीना को हराया था, देखिए फर्स्ट रनअप कौन है, अर्जेंटीना को हराया था किसने, जर्मनी ने, और कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में। ब्राज़ील के बारे में याद कीजिए कि ब्राज़ील जो है सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड ब्राज़ील के पास है, बहुत मतलब कि चार या लगभग मैक्सिमम पाँच बार ये ब्राज़ील जीत चुका है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि द सिस्टम वेयर प्लांट एनिमल लिव, बहुत आसान सवाल है, इकोसिस्टम का डिफिनेशन ही होता है, जहाँ पे प्लांट और एनिमल रहते हैं उसे इकोसिस्टम कहते हैं, हम लोग भी इकोसिस्टम में रहते हैं। और एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि HDI रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताइए, USA का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताइए। देखिए USA का ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक जो है वो 10 है, और हमारे इंडिया का कितना है, इंडिया का रैंक 31 है, 31। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि HDI रैंक, भारत का HDI रैंक कितना है, 31। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ था सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी, कहाँ से, सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी, देखिए ये इसका एग्जांपल होता है रसिया में, रसिया के बारे में एक फैक्ट आपको और याद करना है, रसिया जो एक ऐसा देश है विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये है रसिया, ये एशिया में भी एशिया से शुरू होता है और दूसरे मतलब एशिया महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप में भी फैला हुआ है, इसलिए रसिया बहुत ही बड़ा है, ठीक है। जिसे हम लोग पहले USSR कहते थे, ठीक है, USSR भी रसिया को पहले इसका नाम है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कमेंट सेक्शन में ये आपको कैसा लगा, और बुरा लगा तो वो भी बताइए, अच्छा लगा तो वो भी बताइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं कल 19 अगस्त को जो एग्ज़ाम हो सके तो उसका भी रिव्यू आपको कर सकूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।